चर्चा में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसे लेकर पहले ही बयान दे चुके हैं। हमने कहा कि उनके अंदर हीन भावना होती है, हम राजस्थान के बच्चे सब। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, राजस्थान बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए करीब 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो कि रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, उनका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और साथ में कई बड़े अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर डेट शीट जारी कर दी है। बच्चों के रिजल्ट की तिथि का ऐलान हो चुका है, आज बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें, अंक फीडिंग और डाटा फीडिंग में जो भी प्रोसेस रह गया था वो आज रात को ही पूरा कर लिया गया और आज बच्चों का रिजल्ट लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, अजमेर से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान से ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें, अलग अलग वर्गों के नतीजे अलग अलग कुछ समय लेकर घोषित किए जाएंगे। दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बात कह दी है कि राजस्थान बोर्ड के सभी बच्चों का रिजल्ट इस वजह से लेट हो रहा था क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, चुनाव चल रहे थे, जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट कुछ लेट हो गया है, लेकिन अब बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा ताकि वो अगली कक्षा में प्रवेश भी आसानी से ले सके। अभी 2 मिनट पहले ही शिक्षा मंत्री ने लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की तारीखों का ऐलान किया है कि आज बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, दसवीं और बारहवीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है सभी परीक्षार्थियों के लिए। आपको बता दें, राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे और इस रिजल्ट को जारी करते समय बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उपाध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल रहेंगे। रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट rbscresult.nic.in, rbscresult.government.in से आप नतीजे निकाल पाएंगे।